अगर आपके पास भी फ्रेंड रियलमी मोबाइल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये जो फ़ोन है ये रियलमी मोबाइल है, और आपके पास भी रियलमी मोबाइल है या रियलमी 30 है या रियलमी नार्जो है, रियलमी 6 है, रियलमी 7 है, कोई भी मॉडल हो रियलमी मोबाइल का, और वो रियलमी मोबाइल आपसे इस प्रकार लॉक हो गया है और अनलॉक नहीं हो रहा है, तो ये मेरा गलती नहीं है फ्रेंड, ये आपका गलती है, क्योंकि आपने अपना पासवर्ड भूल गया है, आपने अपना पासवर्ड को भुला दिया है। तो फ्रेंड, जब आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हो तो आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार हो जाता है, लॉक और अनलॉक नहीं होता है। ये कितना बड़ा मुसीबत है मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस सिचुएशन में आप लोग डायरेक्ट जाओगे कहाँ, किसी मोबाइल रिपेयर दुकानदार के पास या तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर, लेकिन दोनों जगह आपको पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और आपके फ़ोन के साथ वो क्या कर रहे हैं ये आपको वो कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन आज मैं वो मेथड आपको बताऊंगा और वो मेथड आपको दिखाऊंगा कि कैसे सर्विस सेंटर वाले अपना फ़ोन को अनलॉक करते हैं, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर के कारण टोटल का टोटल बढ़ कर ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सॉफ्टवेयर की मदद से फ़ोन अनलॉक करते हैं और हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना माइंड से, हम लोग अपना मेथड के अनुसार फ़ोन अनलॉक करते हैं, और वो भी विदाउट डाटा लॉस करते हैं, और ये वर्क करने में हम लोग को ना ही तो लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है और ना ही कंप्यूटर की, ये वर्क आप अपने माइंड से अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, आप अपना मोबाइल का लॉक घर बैठे तोड़ सकते हो। अगर आपके पास रियलमी मोबाइल है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आप सीख जाइएगा कि कैसे रियलमी मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे तो नीचे इमरजेंसी कॉल आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप कोई वर्क कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड पेज खुलेगा, नहीं तो आप देख लो कहीं भी ऐसा कोई जगह आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको सेकंड पेज ओपन होगा। तो आपको इमरजेंसी कॉल ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्क करने का मौका मिलेगा, तो आपको इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर देना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये न्यू डायलेट खुला है, तो इस न्यू डायलेट में एक कोड आपको इस्तेमाल करना है, जो कोड का नाम होता है FRP कोड। तो वो कोड मैं पहले आपके सामने आपके स्क्रीन पर डायल कर देता हूँ। ये कोड बहुत उल्टा कोड है फ्रेंड, 88*#। ये कोड बहुत ही उल्टा कोड है, और इस कोड का वर्क इतना तेज होता है, इतना कंप्लीट, इतना शानदार होगा कि इस कोड को आपको 3 times कॉल करना है ताकि ये कोड रनिंग करे, और आपका फ़ोन का जो डाटा होगा इस कोड की मदद से डाटा सेफ हो जाएगा फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, मैंने गलत बोला है, ये कोड FRP कोड है। इस कोड की मदद से सिर्फ FRP कोड जो होगा वो टूटेगा, और डाटा कैसे सेफ होता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसको 3 times कॉल करना है, ओनली 3 times। तो कॉल पे जब क्लिक करोगे तो कॉल फील्ड का मैसेज आएगा आपके स्क्रीन पर, इसको कर लेना ओके। ये हो गया 1, 2, 3। तो जब फ्रेंड आप 3 times कॉल कर लोगे तो इस कोड को डायरेक्ट हटा देना। डायरेक्ट हटाने के बाद अपने डायलेट पे *#8999# पे क्लिक करना, आपके स्क्रीन पे ही डायरेक्ट एक इंजीनियर मोड नाम का पेज खुलेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इंजीनियर मोड पेज में आपको 4th ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे वो मेथड आपको मैं बताऊँगा जैसे आपको डाटा सेफ किया जाता है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, मैनुअल टेस्ट पे फर्स्ट पेज पे आया, ये पेज को छोड़ देना है, सेकंड पेज पे आना है और जायरोस्कोप सर्च करना है फ्रेंड। यहाँ पे है जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिए, और ये हुआ 3rd ऑप्शन आपका डाटा सेफ करने का फॉर्मूला। तो हम डाटा डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और इसको 25 तक नीचे की ओर इंक्रीज होने देंगे, बढ़ने देंगे, ताकि आपका डाटा सेफ हो जाए। तो हम यहाँ पे क्लिक किए हैं और आप देख सकते हो कि ये नीचे की ओर बढ़ रहा है, और इसको 25 तक हम बढ़ने देंगे। जैसे ही 25 हो जाए आप इसको बैक कर लीजिएगा, अब आपका डाटा सेफ हो चुका है फ्रेंड। 2nd ऑप्शन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट का, यहाँ पे आपको पास लाना है।
बहुत सारे फ़ोन में आपको यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम डायरेक्ट जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पास है या फेल। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे पास आया मेरा एक ही बार में। अगर आपका एक बार में पास नहीं आता है तो भी आप कंटिन्यू ट्राई करते रहिएगा, बार बार पास आएगा, ज़रूर आएगा फ्रेंड, इतना आप याद रखना। तो यहाँ पे पास आना ज़रूरी है। तो अब हम इसको बैक करेंगे और अब आपको अंतिम वर्क करना है फ्रेंड, लास्ट वर्क। तो आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है फ्रेंड यहाँ पे चार्ज टेस्ट के नीचे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में खुला है दो, जहाँ लिखा हुआ है ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड। बहुत सारा फ़ोन में तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, सबको स्टार्ट कर दीजिएगा सबको। जब वो स्टार्ट होगा तो येलो कलर का हो जाएगा। और कोई भी अगर एक पास आ गया ना फ्रेंड, एक ही पास चाहिए, ज़्यादा पास नहीं चाहिए, अगर एक पास आ गया तुरंत होम बटन पे क्लिक कर लेना, आपका फ़ोन अनलॉक वोई विदाउट डाटा लॉस। तो हम ये दोनों को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि ये दोनों येलो कलर का हो चुका है और ऊपर का फेल हो चुका है फ्रेंड और नीचे का पास हो चुका है। तो तुरंत होम बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका भी फ़ोन इसी प्रकार अनलॉक मिलेगा और वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोगों ने एक बात ये भी नोटिस कर लो कि देख सकते हो कि इस फ़ोन का डाटा एक भी डिलीट नहीं हुआ है, एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ। अगर आप सर्विस सेंटर जाते पैसा लगता, समय लगता और डाटा भी लगता, लेकिन मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया और डाटा ही बचाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।